नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर। मैं हूं आपके साथ साक्षी श्रीवास्तव। अशोकनगर जिले के चंदेरी कस्बे में गणगौर पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मूलत राजस्थानी शैली का यह पर्व पूरे देश में गिने चुने स्थानों पर ही लोकोत्सव के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें सुहागन महिलाएं अपने अपने पति की लंबी उम्र एवं सुख शांति के लिए इस दिन व्रत रखती हैं, माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करती हैं। चंदेरी में यह पर्व 3 दिन का होता है। बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार पर माने जाने वाले चंदेरी कस्बे में राजस्थानी संस्कृति में शामिल होने के लिए आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। उल्लेखनीय है कि माता पार्वती और भगवान शंकर के प्रतीक स्वरूप प्रतिमाएं समारोह के दौरान शोभा यात्रा के साथ निकाली जाती हैं। खास बात होती है कि इन प्रतिमाओं को महंगे आभूषणों के साथ सजाया जाता है। इनकी सुरक्षा के लिए बकायदा पुलिस भी लगती है। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले के दौरान कई सांस्कृतिक एवं दूसरे धार्मिक आयोजन भी होते हैं, साथ ही नृत्य एवं दूसरी प्रतियोगिताएं भी मेले के दौरान आयोजित करते हैं। मेले की सारी तैयारियां नगर पालिका परिषद की तरफ से की जाती हैं। चंदेरी में मां जागेश्वरी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। यहाँ लगने वाले मेले को गणगौर उत्सव के पूरक रूप में माना जाता है। पूरे भारत में जिन स्थानों पर गणगौर को भव्यता एवं आकर्षक तरीके से मनाया जाता है, उनमें से एक चंदेरी भी है। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने आज कलेक्टर से मांग की है कि नवरात्रि के दौरान मंदिरों के आसपास लगने वाले अंडे एवं मटन की दुकानें हटा दी जाएं। हिंदुवादी संगठनों ने एक ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर से यह मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रशासन इस तरह के व्यवसाय के लिए शहर में एक स्थान चिन्हित कर दें और वहाँ व्यवसाय करने के लिए निर्देशित किया जाए, ताकि अधिसंख्य शाकाहारी लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जा सके। अशोकनगर नगर पालिका परिषद में आज नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साहू की अध्यक्षता में परिषद की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। सभा कक्ष में हुई इस बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट की स्वीकृति की गई, साथ ही एजेंडे के 50 बिंदुओं सहित कुछ अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। शहर के लिए इस बार तकरीबन 50,76,40,000 रुपये के बजट का प्रावधान रखा गया है। साथ ही खर्चे एवं शकल आय के बाद लगभग 91,000 रुपये की बचत के यह लाभ का बजट पेश किया गया है। परिषद के ज़्यादातर सदस्यों ने नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा पेश बजट को स्वीकृति प्रदान की है। इस बजट में मूलभूत सुविधाएं, जिनमें आवास एवं जल को प्रमुखता दी गई है। साथ ही इस वित्तीय वर्ष में फिलहाल किसी भी तरह के कर को भी नहीं बढ़ाया गया। कुल मिलाकर नगर पालिका का यह बजट लोगों के लिए संतोषजनक रहा। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने तो इस बजट को नगर विकास के हित में बताया ही, साथ ही कांग्रेसी पार्षदों ने भी इस बजट में अपनी सहमति दी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आज नगर पालिका ने शहर का बजट जारी कर दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने आज बजट से संबंधित दस्तावेज रखे। परिषद में ज़्यादातर बिंदुओं पर सहमति जताई गई है। कुछ चीज़ों को लेकर कांग्रेसी या दूसरे पार्षदों ने अपनी मांगें जरूर रखी हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष हमारे साथ में, उनसे जानेंगे कि इस बजट में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखा है और शहर को लेकर उनकी क्या जो है सोच है। इसको लेकर जो आज जो बजट जारी किया गया है, किस तरह का बजट है? आज नगर पालिका ने वित्तीय वर्ष 17-18 का वर्ष का हमने बजट पेश किया, जिसके अंदर हमने 50 करोड़ रुपए की ज़्यादा राशि का बजट पेश किया और 91,000 की बचत राशि का हमने बजट पेश किया, क्योंकि हमारी जो बचत का बजट था, ये व्यय आय से कम व्यय हमने रखा गया है। इस तरह से हमने करीबन 50 करोड़ रुपए राशि इस साल पूरे नगर के हितकारों में व्यय की जाएगी। हमारा सबसे अधिक ध्यान इस समय आवास योजना पे है, जिन लोगों के पास मकान नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम उन लोगों को मकान बना के दे रहे हैं। इसमें दो तरह के लोग शामिल हैं, एक वो जिनके पास कच्चे मकान है, उनको हम 2.5 लाख की राशि दे रहे हैं। अगर जिनके पास मजदूरी की किताब है, उनको 3.5 लाख रुपये की राशि हम दे रहे हैं। ये सब 3 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये की महा की आय वर्ग में आते हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा जो समस्या है, वो है हमारी पानी की समस्या। हालांकि हमने पानी की समस्या पे जल आवर्धन योजना के तहत हमने 14,70,00,000 की राशि से हमने पूरे शहर में पाइपलाइन डाली और 4,000 के करीब कनेक्शन भी हम दे चुके हैं। इसके बावजूद भी
कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर हमारा पाइपलाइन न होने से हम लोगों को कनेक्शन नहीं दे पाए हैं। इसके लिए हम करीबन 10 करोड़ रुपए की राशि से अधिक पाइपलाइन बिछाने में हम व्यय करेंगे। कितने लोग लाभान्वित होंगे इन 10 करोड़ से जो आगे जो एक्सटेंशन कर रही हैं आप जिला प्रशासन? अभी अभी तक आपने 4,000 लोगों को दिया है और जो एक्सटेंशन करके आप करेंगे तो कितने लोग और उससे लाभान्वित होंगे? इतनी राशि इतने लोग 4,000 लोगों को और दे पाएंगे। मैं तो ये सोचती हूँ कि 100% लोगों को नल कनेक्शन हमारे मिल जाएंगे अगर 10 करोड़ राशि का। अगर वे लोग जो बिल्कुल नई कॉलोनी आबाद कॉलोनी बसाकर शहर के बिल्कुल नाके पे हैं वहाँ पर हम नए साल में जो हमारा बोर वगैरह व्यवस्था करेंगे, लेकिन जो इस समय शहर की सीमा में आ रहे हैं आज की तरह तक उन सब लोगों को हम पेयजल के लिए 100% लोगों को पाइपलाइन डालकर पानी की देने का पूरा पूरा प्रयास है। आवास और जल के अलावा जो है करों को लेकर बजट में किस तरह की प्रावधान किए हैं? हम चाहते थे कि इस बार हमारा जल कर की राशि बढ़ाई जाए, लेकिन हमारे कुछ पार्षद भाई चाहते थे कि जनता पे इसका बोझ ना पड़े। और बात भी सत्य है, मुझे भी ऐसा लगा कि हम जब तक जनता को पूरी तरह सुविधा ना दे तब तक हमको जल कर राशि बढ़ाने का कोई हक नहीं है। हालांकि हमारे पर जो नए कनेक्शन उसके पर जो उनको सुधारने और अन्य कार्यों से हमारा काफ़ी व्यय हो रहा है। तो जो हमारी 14 करोड़ 70 लाख की राशि वो भी हमारा एक तरह का हुड़कों से लोन था, उसकी 9 लाख कुछ रुपये तो हमारे हर महीने उसकी ब्याज की राशि जाती है और किस्त की राशि अलग। इस तरह से नगर पालिका जो अन्य जगह को खर्च करने चाह रही थी उसको हमारा सारा हमारा व्यय पानी में जा रहा है। जल कर के अलावा और कोई किसी तरह की संपत्ति कर में हमने सोचा था लेकिन इस बार हम नहीं बढ़ा पाए। वैसे भी हमें लग रहा है कि अभी थोड़ी सुविधा है शहर को और हमें देना है। इस वर्ष हम सारी सुविधाओं से जनता को लेस कर देंगे, लेकिन अगले वर्ष हम चाहेंगे कि जनता खुद इस बात को सोचे कि अगर नगर पालिका कोई भी प्रशासन कुछ सुविधाएं देना चाहता है तो उसके लिए व्यय होता है तो वो व्यय देने के लिए तैयार है। दूसरी बात, हमारे पार्षद साथियों ने जल कर के लिए जो हमने बात रखी थी नेक्स्ट टाइम जो मीटिंग होगी उसमें हम जनता के लिए जो परेशानी पानी की समझ उसको पूरी करने के बाद जल कर की राशि बढ़ाए जाएंगे। वैसे शासन के नियम आ गए कि 150 से कम होना ही नहीं चाहिए, इसके बाद भी हमने 2 महीने के लिए रोक दिया। अभी रोक दिया ये मूलभूत सुविधाओं के अलावा क्या इस वित्तीय वर्ष में कोई बड़ी सौगात अशोकनगर से? जी बिल्कुल, बड़ी सौगात में हमारा तुलसी सरोवर जो तालाब है उसके लिए भी हमारा 9 करोड़ 98 लाख का बजट पास हो चुका है, लेकिन DPR हम बना के भेजने के बाद जब हमारे पास बजट आ जाएगा तो उसके सौंदर्यकरण और एक हम चाहते हैं एक ऐसा पिकनिक स्पॉट ऐसा स्थान रखें ताकि आसपास के क्षेत्र के लोग वहाँ पर घूमने आ सकें। इसके अलावा जो हमारे 20 पार्क थे जिनको हमने बहुत जगह घेरे हुए थे उनको तोड़ दिया है, तो उन सारे पार्कों को फिर से खूबसूरत के साथ में हम उसका डेवलप करेंगे, नई मूर्तियाँ लाएंगे। इसके अलावा जो मूर्तियों का हमारे उसमें एजेंडा में प्रस्ताव है सब जो चुराए उन पर हम एक मूर्ति रख के उसका नामकरण करेंगे। एक हमारा अभी हमारे संसद प्रतिनिधि जी ने जो हमारे आराध्य हैं परशुराम जी उनके नाम से करने का भी उन्होंने प्रस्ताव रखा, उसको भी हमने स्वीकृति दे दी है परिषद ने। और महावीर जी के नाम से जो प्रोसेशन रोड है उसकी भी स्वीकृति है और एक गेट भी हम वहाँ पर बनाने वाले हैं ताकि हमारे जो जिनकी प्रोसेशन रोड और न्यू मार्केट जैसे नाम होते हैं उनको हम हमारे आराध्य महापुरुषों का नाम रखेंगे तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा व्यक्त होगी। लगभग 0.5 अरब से ज़्यादा की राशि इस वर्ष जो है वित्तीय वर्ष के लिए रखी गई है जिससे अशोकनगर शहर का विकास होगा। संभवतः पहली बार ऐसा है कि 1 लाख रुपए के आसपास लाभ का ये बजट पेश किया गया है। देखना होगा कि जो चीज़ें बजट के तौर पर रखी गई हैं उनका कितना उपयोग इस पूरे वर्ष में हो पाता है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए नगर पालिका ने अपना बजट किया है, लगभग 0.5 अरब रुपये का ये बजट है जिसमें लगभग 90,000 रुपये से ज़्यादा लाभ का बजट बताया जा रहा है। क्योंकि आप परिषद में रहें पहले उपाध्यक्ष भी रहें तो इस बजट को लेकर आप क्या सोचते हैं? बजट तो ठीक ही रहा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि जो आवास गरीबों को आवास देने की मुहिम चल रही जो कांग्रेस के समय से चल रही थी अब वो आकर मतलब क्रियान्वित हुई है, तो उसके लिए जो बजट आया है उस गरीब लोगों के लिए पक्के मकान बनाकर देने का और शौचालय निर्माण करीब 20 साल से जो प्रक्रिया चल रही है हर घर में शौचालय होना चाहिए तो उसके लिए अधिक राशि दी गई है बजट में। नहीं, करों को लेकर जो बात की जा रही थी कि संभवतः इस बार बढ़ेंगे करों को, लेकिन अभी क्या है कि गर्मी का सीजन है और अभी नई नई लाइन बिछी हुई है, अभी हम लोगों ने नल कनेक्शन के सबसे पैसे भी ले लिए हैं तो अधिक बोझ न डले है, आगे बढ़ना चाहिए पैसे, लेकिन अभी इस परिषद में सारे लोगों ने सारे पार्षदों ने सभी ने इसका विरोध किया कि अभी पैसे नहीं बढ़ें संपत्ति कर और जल कर में। नगर पालिका ने आज अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट पेश कर दिया, लगभग 50 करोड़ से ज्यादा की राशि के बजट पेश किया गया है और इस बार लगभग 1 लाख रुपए राशि संभावित तौर पर रखी गई है जो लाभ के तौर पर है। हमारे सामने इस मुद्दे पर बात करने के लिए कई
का है, पर्स से थोड़े लोग है कांग्रेस के और शर्मा जी हमारे सामने है, उनसे पूछते हैं कि बजट प्रक्रिया पेश किया गया सभी एजेंडों में चर्चा हुई। बजट में 50 करोड़ 77 लाख 40 हज़ार रुपये की आय दिखाई गई और 50 करोड़ 75 लाख 49 हज़ार रुपये का व्यय, इसमें अनुमानित इनका 91 हज़ार रुपये ये लाभ दिखा रहे हैं। बजट में पिछला वित्तीय वर्ष का कोई लेखा जोखा बताया नहीं, कल कॉपी मिली इसमें तो ये तो आंकलित रहता है, करना क्या है वो परिषद में रहता है, ये आंकलित इसका कोई महत्व नहीं जो ये है। आंकलित होता है कि मान लो हमको सड़कों पे 50 लाख खर्च कर लें, वास्तविकता में 5 लाख हैं, आप इस बजट से संतुष्ट हैं कि नहीं? कैसे ये जो बजट पेश किया गया है आपको लगता है कि ठीक ठाक है? इस बजट में जो जलकर बढ़ाया जाना था हम उसके विरोध में थे, जलकर हमने नहीं बढ़ाया। इस बजट में संपत्ति कर बढ़ाया जाना था, हमने संपत्ति कर को नहीं बढ़ाया, क्योंकि लोगों को वैसे ही नोटबंदी की मार चल रही है, हमारे मोदी जी के अच्छे दिन चल रहे हैं, लोगों के बुरे दिन चल रहे हैं, तो इस बजट में तो सहमति देना तो नामुमकिन है, क्योंकि ये तो आंकलित बजट है, इसका कोई रतल पर कोई स्तर नहीं है। इस बजट का आंकलित अनुमानित चीज़ें हैं सारी, जो विकास के मुद्दे थे उन पर विकास की बात की गई है और जो विरोध के मुद्दे थे उन पर विरोध की बात की गई है। वर्ष 2017-18 का वित्तीय वर्ष के लिए बजट अशोक नगर शहर का जारी किया गया है, नगर पालिका अध्यक्ष ने ये बजट रखा, आज परिषद की बैठक भी है। अशोक नगर नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष अनिता जैन हमारे साथ में, उनसे जानेंगे कि इस बजट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। ये जो बजट में जो चीज़ें बताई गई हैं वो उन सबसे कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है? परिषद आपसे कुछ मांगे इसमें रखी गई परिषद में जो आज बजट पेश हुआ है वो शहर की सारी समस्याओं का उसमें ध्यान रखा गया है, चाहे वो नाली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नगर सौंदर्यीकरण पे जो बहुत अच्छी राशि का बजट रखा गया है, एक बड़ा बजट नगर सौंदर्यीकरण में रखा है, इसका परिणाम आगे एक वर्ष के अंदर आपको दिखाई भी देगा और बजट बहुत अच्छा है। आज जो बजट पेश किया गया है वो नगर के विकास के हित में और पूरी समस्याओं को देखते हुए आज बजट पेश हुआ, उसमें पूरी शहर की नाली से लेके सड़क पानी पूरी व्यवस्थित करने के लिए अच्छा बजट पेश किया। आप इससे संतुष्ट? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ इससे। आज नगर पालिका परिषद की बैठक के दौरान सांसद प्रतिनिधि महेंद्र भारद्वाज जी ने परिषद में प्रस्ताव रखा कि नगर में एक मार्ग ब्राह्मणों के आराध्य देव भगवान श्री परशुराम के नाम पर रखा जाए। इस प्रस्ताव को नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साहू ने स्वीकार कर लिया तथा सदन ने भी पूरी सहमति से इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। अब अजाक थाने से श्री परशुराम मंदिर तक का रास्ता भगवान श्री परशुराम मार्ग नाम से जाना जाएगा। सभी ब्राह्मण जनों ने नगर पालिका अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त किया। बैठक हुई थी उसमें यूं तो कई फैसले हुए पर एक रोड को लेकर भी फैसला हुआ है, क्या मामला था परशुराम जी को लेकर कोई रोड करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने जब हमारे एजेंडे के अंतिम बिंदु पर चर्चा चल रही थी तो जो स्टेशन रोड है उसको महावीर मार्ग नाम रखने की जैसे ही चर्चा आई तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात है कि सभी धर्मों के लोग आपस में बहुत प्यार से एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते, उसी तारतम्य में हमारे सुंदर प्रतिनिधि जी आदरणीय महेंद्र भारद्वाज जी ने कहा कि महावीर जो मार्ग का नाम रखेंगे उसके लिए हम सब सहमत हैं, लेकिन हमारे आराध्य परशुराम जी के नाम से भी एक मार्ग होना चाहिए। हमारे पूरे परिषद ने इसको स्वीकृति दी, सब लोगों ने हर्ष के साथ में उस प्रस्ताव को पास किया और प्रोसेशन रोड जो है आदरणीय ओम प्रकाश चौधरी के घर से मुल्तान मन चौराहे तक जो रोड है उसका नाम आदरणीय परशुराम जी के नाम से परशुराम मार्ग करने का आज हमने निर्णय लिया गया है। इसकी जो है सूचना और मतलब कब तक ये नाम जो है चलन में? हमने एजेंडे में रख लिया है इसको, इसमें बहुत बोर्ड वगैरह बनवाने पड़ते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा,
हम अगली बैठक के पहले ये जनता से वादा करते कि हम वहाँ पर उम्मीद की जानी चाहिए परशुराम जयंती के पहले ये जो है सौगात। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा हो जाएगा तो मैं बहुत जल्दी प्रयास कर रही हूँ। उठाए थे उसमें परशुराम मार्ग को लेकर भी एक मामला उठाया था, किस तरह की मांग रही है आपकी? हमारे असूर नगर में सभी समाजों के संतों के नाम से मूर्तियां स्थापित हैं, मार्ग हैं। आज एक प्रस्ताव आया था जो हाथी गेट जो है पुराना, उसका नाम विद्यासागर महाराज जी के नाम से करने का था। वो भी अच्छा काम है क्योंकि जैन समाज की बस्ती है और वहाँ से हमारे मुनियों का आना जाना रहता है। तो आज विद्यासागर, मेरे मन में भी एक विचार आया कि हमारे आराध्य, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ तो हमारे आराध्य परशुराम, और परिषद में भी सर्वाधिक ब्राह्मण समाज से ही पार्षद चुनकर आए हमारे आराध्य परशुराम। यहाँ पर परशुराम जी का मंदिर है प्रोसेशन रोड, मैंने भी यही प्रस्ताव रखा कि हमारे आराध्य परशुराम का भी मार्ग का नाम होना चाहिए। जो अभी प्रोसेशन रोड बसता है वहाँ के चल के इसको परशुराम मार्ग से नाम से पहचाना जाएगा। तो अब परिषद में इस प्रस्ताव की सहमति बन पाई? हाँ, सारी सहमति थी, सारे पार्षदों ने, अध्यक्ष ने, सीएम साहब, सारे लोगों ने इसका समर्थन किया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बाईसा यादव एवं कलेक्टर श्री बी एस जामुद द्वारा जिले में 31 मार्च 2017 को सेवानिवृत्त होने पर कई कर्मचारियों को एक साथ जिला कलेक्ट्रेट सेवा कक्ष में सम्मान विदाई दी गई। साथ ही सेवानिवृत्त 3 कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के दिन ही जिला कौशालय द्वारा पीपीओ जारी कर संबंधितों को सौंपे गए। कलेक्टर श्री बी एस जामुद द्वारा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को शॉल एवं श्रीफंड भेंट कर सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों श्री अशोक शर्मा प्रधान अध्यापक, श्री शिवकांत शर्मा सहायक शिक्षक एवं चंदेरी के कालूराम रेकवार भृत्य कृषि विभाग को भी पेंशन भुगतान आदेश प्रदान किए गए। इस दौरान कलेक्टर श्री जामुद द्वारा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के उज्ज्वल भविष्य एवं स्वस्थ जीवन की कामना की गई। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवक सेवा में नियम एवं कानून के बंधन में बंधे होते हैं। सेवानिवृत्त होने पे वे इस बंधन से मुक्त होकर नई दिनचर्या प्रारंभ कर परिवार को अधिक समय दें और सुखी रहें एवं स्वस्थ रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद पूरे देश सहित अशोकनगर में भी BS3 सुविधा वाली मोटरसाइकिल की खरीदी को लेकर लोगों में जमकर उत्साह देखा गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रदूषण फैलाने वाली इन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर 1 अप्रैल से रोक लगा दी गई है। इसके बाद मोटरसाइकिल निर्माता कुछ कंपनियों ने अपने सभी मॉडलों पर भारी छूट 2 दिन के लिए जारी कर दी है। लगभग 20,000 रुपये तक की छूट की जानकारी मिलते ही लोगों में गाड़ी खरीदने के लिए होड़ सी लग गई। श्री संत होंडा शोरूम के मालिक अमन बंसल बताते हैं कि उन्होंने जैसे ही गाड़ियों पर छूट की घोषणा की तो महज कुछ घंटों में ही उनका स्टॉक खत्म हो गया और इसके बाद लोग इसकी डिमांड करते रहे। ये स्कीम आज और कल के लिए है, जो BS3 मॉडल्स हैं उन पर ये स्कीम लागू है, जब तक हमारे पास स्टॉक रहेगा आज और कल। वैसे तो आज ही हमारा स्टॉक समाप्त हो गया, कल के लिए हमारे पास कोई स्टॉक भी नहीं है। अब आगे भविष्य में हमारे पास कंपनी से कोई BS3 का माल नहीं है। अभी तक कितनी गाड़ियाँ चली गई? आज का ही मैं बता सकता हूँ, आज की रिटेल लगभग जो है 65 से 70 के बीच में। और जो आप किस्तों के माध्यम से लेगा या नगदी? नहीं, सारे जो है जो भी कैश में ही है, कोई फाइनेंस नहीं है। अगर एक दो गाड़ी में श्री हम फाइनेंस से होंगे बस, बाकी कोई किस्तों हमारा व्यक्तिगत कोई फाइनेंस नहीं। कैसी स्कीमें और रहेंगी आगे भविष्य का तो कह नहीं सकते, कोई अगर जो है आगे भविष्य में कोई और आए तो कह नहीं सकते। वैसे तो आनी नहीं है क्योंकि जो है BS3 जो है उसी के ऊपर ये स्कीम थी। क्या नाम है? अमन कुमार बंसल। अशोकनगर जिले के निवर्तमान जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी की विदाई एवं नवागत CMHO डॉक्टर सरल का स्वागत समारोह स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया, जिसमें कलेक्टर BS जामुद भी शामिल हुए। इस दौरान
डॉक्टर रघुवंशी के द्वारा अशोकनगर जिले में किए गए कार्यों को सराहनीय बताया गया और उनके द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो काम किए गए हैं उनको लंबे समय तक याद करने के लायक बताया। कलेक्टर श्री जामुद ने कहा कि डॉक्टर रघुवंशी ने स्वास्थ्य सेवाओं एवं हितग्राही मूलक योजनाओं तथा लोगों को स्वास्थ्य विभाग से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके अशोकनगर से स्थानांतरण होने पर सभी अधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी, साथ ही नवागत CMHO का स्वागत किया। चल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना एवं स्वच्छ भारत अभियान के तहत हो रहे कार्यों का निरीक्षण बीते दिनों कलेक्टर BS जामुद एवं CEO जिला पंचायत KK श्रीवास्तव ने किया। दोनों अधिकारियों ने मुंगावली जनपद के दमदमा एवं नाहरगढ़ गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास की कई योजनाओं का जायजा लिया, साथ ही उन्होंने हितग्राहियों के द्वारा निर्माण कराए जा रहे आवास एवं शौचालय की जानकारी भी ली। इस दौरान कई शौचालय एवं आवासों का निर्माण गुणवत्ता पूर्व पाए जाने पर खुशी भी जाहिर की, जबकि कुछ परेशानियों को लेकर जब लोगों ने कलेक्टर को बताया तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के निराकरण करने के लिए निर्देशित किया।